हेलो सलाम नमस्ते। आज मिलकर बनाते हैं बनाना वॉलनट ब्रेड। तो शुरू करें। बनाना वॉलनट ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए दो बनानास जो मेरे घर में काफ़ी टाइम से थे, 3 दिन हो गए थे और वो बहुत राइप हो गए थे। तो यूजुअली जब ऐसा होता है तो मैं बनाना वॉलनट ब्रेड बना ही लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बोल में डाला है दोनों भी बनाना पील करके, और ये इतनी अच्छी रेसिपी है, इतनी सिंपल सी रेसिपी है कि बेचारी एक बोल में सारा कुछ बन जाती है। तो आप ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा। तो दोनों बनानास को डाल के मैंने उसे मैश कर लिया है। कोई इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फोक चाहिए। बस अब आप उसे अच्छे से मैश करिए और उसमें हम ऐड करेंगे 2 अंडे। यहाँ पर मैंने डाला पहला एग और दूसरा एग। वेट भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस सब एक साथ डालिए, मिलाइए और बेक कर लीजिए। कभी भी आपके बनानास कचरे में नहीं डालने पड़ेंगे नेक्स्ट टाइम, बिकॉज काफ़ी टाइम बनानास घर में रॉट हो ही जाते हैं। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है एग्स। अब यहाँ पर मैं डालूँगी शुगर, 1/2 कप ऑफ शुगर, 1/2 कप शक्कर। हमारी थोड़ी बारीक होती है, बट इवन अगर मोटी शक्कर है थोड़ा ज़्यादा उसको मिक्स करिए, वो अच्छे से घुल जाएगी। और मैं अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप ऑयल, जो घर में ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डालना आप अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर इन केस अगर और कुछ नहीं है और ऑलिव ऑयल ही है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डालूँगी 3 बड़े चम्मच भर के दही। घर में जो रेगुलर दही होती है बस वही दही डालनी है, नथिंग फैंसी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सिनेमन। आप इसकी बजाय ऑरेंज ब्लॉसम वाटर डाल सकते हो, या फिर अगर कुछ नहीं है तो आप वेनिला भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने डाला 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, अ पिंच ऑफ सॉल्ट और 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। सोडा था 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर है 1/2 टेबलस्पून। तो वो मैंने अब डाला, अब इसको थोड़ा मिक्स कर लिया। आप बोलेंगे ये तो मैदा ही नहीं डाला इसने अभी तक। वो लास्ट में डालूंगी। तो अब ये सब मिक्स हो जाए अच्छे से, उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप, मीनिंग 1.5 कप ऑफ फ्लावर। बट फ्लावर डालने के पहले आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि ये जो सब इन्ग्रीडियंट्स हमने डाला है वो सब अच्छे से बोल में मिक्स हो जाए। आप देखोगे मैंने यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट नहीं यूज़ किया है, इट्स जस्ट अ प्लेन बोल विद अ प्लेन फोक। और मैं फ्रिज में क्यों गई थी पता नहीं। बस यहाँ पे मैं डालूँगी अब 1/2 कप फ्लावर, जस्ट रेगुलर मैदा, एब्सोल्युटली सिफ्ट करके डालना चाहिए, बट एज़ यूजुअल मैं थोड़ी जल्दी में थी। बट बनाना ब्रेड इज़ नॉर्मली क्वाइट फॉरगिविंग, तो ये एक ऐसा बेचारा ब्रेड या केक आप इसको बोल सकते हैं बनता है, वो आराम से बन जाता है बिना कोई फिक्र के। अब ये एक बार मिक्स हो जाए तो मैंने इसमें डाला है थोड़े वॉलनट्स, एक्चुअली मैंने और भी ज़्यादा डाला था बाद में, मुझे जब थोड़ा कम लगा तब। और दैट्स इट, योर बैटर इज़ फुली रेडी। अब मैं इसे डालूंगी एक 9x5 लोफ पैन में, जो रेगुलर टी केक्स हम बनाते हैं वो एक लोफ पैन, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप उसमें इसे बेक कर सकते हो। इसमें डालूंगी 350 डिग्री ओवन में, जो प्री हीटेड था, फॉर अबाउट 45 to 55 minutes, depending on your oven. And there, ready भी हो गया हमारा केक। अब इसे मैं कूल करने मैंने रखा है एक कूलिंग रैक पे, और पूरे घर में बनाना ब्रेड की खुशबू आ रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। अब एक स्लाइस काटूँ, प्लीज़ बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक।